हेलो फ्रेंड्स, वाल पापड़ी की सब्ज़ी पकने में टाइम लेती है, तो अगर जल्दबाजी में बनानी हो तो किस तरह बनाई जाए जिससे कि इसके स्वाद में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा और ये बहुत जल्दी पक जाएगी। सबसे पहले किनारों को निकाल देंगे, सिम को बीच से खोलकर देख लेंगे, जो भी ख़राब सिम होगी उन्हें निकाल कर फेंक देंगे। ये देखिए, मैंने बीन्स को काट कर तैयार कर लिया है। और एक पाव सब्ज़ी के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसको बारीक कट कर लिया है, और दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। अब तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने कड़ी पत्ता, जीरा और सरसों डाला है। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर अच्छे से भून लेना है, साथ ही साथ एक चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कटे हुए टमाटर डालकर इन्हें पकने देंगे। जब तक टमाटर पक रहे हैं तब तक देख लीजिए फ्रेंड्स, जो वाल पापड़ी मैंने साफ़ कर ली थी उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने उसे स्टीम करने के लिए कुकर में रख दिया है। इस तरह वाल पापड़ी को कुकर में पका लेने से ये बहुत जल्दी पक जाती है, आपका टाइम भी बच जाएगा और सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो देखिए, वाल पापड़ी को अच्छे से मैंने पका लिया है। वाल पापड़ी पकने के बाद साथ में जो पानी होता है उसे फेंकना नहीं है, उसे भी तड़के में साथ में डालना है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, देखिए बहुत जल्दी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। इसे गार्निश कर लेना है धनिया के साथ। थोड़ी देर के लिए इसे ढक्कन रख कर हम स्टीम कर लेंगे जिससे कि धनिया का स्वाद अच्छे से मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। एक बार इस तरह से इजी वे में ये रेसिपी बनाकर ज़रूर देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।